हेलो एवरीवन, अभी ये समय 4 बजने वाला है। इतनी देर से तैयारी करते 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 और अभी समय मुझे 4 बज चुके हैं और मेरा मेकअप लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कुछ पोजेस लेने थे मुझे, सो मैंने सोचा था कि कुछ पोजेस तो ले लिया मैंने। और वो आर्टिफिशियल नेल्स ना लगाना बहुत बवाल होता है, ऐसे चाहे रियल नेल्स हो ना तो बहुत ज़्यादा सही है। मुझे बहुत बवाल लगता है। और मेरे पास ग्लू था तो वो ख़त्म हो गया, तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए आज का लुक कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देन मेरी साड़ी आप देख रही हैं, ये वाली साड़ी मैं पिछले साल करवा चौथ मेरे हस्बैंड ने दिया था, तो उसी का है ये, वही वाली ये साड़ी है। मैंने अभी तक पहना नहीं हुआ है मेरा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। सो आज का लुक मेरा, मैंने ना फर्स्ट टाइम इस टाइप का आई मेकअप, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है। आई मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना अपनी आई मेकअप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मैं जैसा चाहती थी, मतलब जिस टाइप का चाहती थी उससे भी अच्छा मेकअप हुआ है। आई मेकअप जैसा मैं चाहती थी, जैसा मुझे पसंद था, तो उससे भी अच्छा मेकअप हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सच बता रही हूँ। और आज का मौसम बता दो, तो आज का मौसम है, मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, बस अब जो है धूप निकल आई है कस के बारिश होने के बाद। ये देख रहे हैं आप मेरी साड़ी कहाँ जा रही, मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड मैं सो गाइस देख सकते हैं, मैंने अपनी हेयर स्टाइल, नॉर्मली मैंने हेयर स्टाइल आज किया था। सो ये देख रहे हैं आप इस तरह से मैंने अपनी हेयर आगे कर लिए है। देन पीछे से अगर आप देखें तो मेरी हेयर इस तरह से लगते हैं, पीछे से कैसे लग रहा है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। मैंने मुझे जिस टाइप पर जल्दी जल्दी जैसे समझ में आया तो मैंने वैसे ही हेयर स्टाइल कर लिया है। सो ये देख सकते हैं आज की मेरी साड़ी। एंड ये जो साड़ी है देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी। आपको पूरे बॉर्डर ना पूरी साड़ी का इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देख रहे हैं ये देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सो मेकअप लुक आप देख रहे हैं आज का मेरा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा आज का मुझे। मैं अपना आई मेकअप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आज का आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग होमवर्क करो। और ये देखिए आज का आप लोगों को मैं अपना सामान घर का दिखा रही हूँ कि क्या पसारा मैं कर देती हूँ, मतलब इतना मैसी हो जाता है, क्या करूँ, इतना ज़्यादा सामान लगता है। और एक जगह अगर वीडियो बनाना हो ना तो खासकर प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी। और मुझे तो आप जानते ही हैं ऊपर का कमरा मेरा, और मौसम अच्छा हुआ कि मैंने ऊपर नहीं सोचा था पहले ऊपर ही वीडियो बनाने के लिए, बट अच्छा हुआ नहीं बनाया मैंने सोचा था, और एकदम से धूप निकल आई, तो अच्छा हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ऊपर नहीं गई, मुझे पता है मौसम कोई भरोसा नहीं है, ये कभी कभी होता है ना कि धूप निकल आती है। सो ये साड़ी बहुत भारी सी लगती है, वो वाली काफ़ी लाइट वेट था ये। सो थोड़ा सा सी अब ऊपर चले जाओ ना कमरे में, ऊपर गर्मी है ही नहीं। देखो बेटा एसी से चालू नहीं पाएगी आज, यहाँ इतनी लाइट मतलब फास्ट आ गई एकदम से, तो मैंने एसी वगैरह सारी चीज़ें जो है ना बंद करवा दी, बिकॉज बहुत तेज़ी से लाइट आई थी, तो जो है ये देखिए ये देख सकते हैं। इसको रखना चाहती हूँ तो मैं जा रही हूँ उसको रखने के लिए, क्योंकि मैंने इसको ना वहाँ से निकाल लिया था, तो इसलिए आप सोच रही थी कि सारी चीज़ें जो है सेट कर, चलिए सेट कर लेते हैं। मैंने मोबाइल अपने से चार्ज नहीं किया है, तो बस लग रहा है कि चार्जिंग में खत्म हो गया, शाम का टाइम हो गया है चार्ज नहीं। और देख रहे हैं थोड़ी तो खास समय का। सो अब मैं जो साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी मुझे, और मैं चूड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी चूड़ी से मुझे, तो मैं चूड़ियाँ जो है वो उतार रही थी। उसके बाद मुझे और भी काम थे, तो मैंने सोचा पहले चूड़ी कर लूँ उसके बाद कमरा थोड़ा ठीक कर दूँ। और जानते बच्चे रहते हैं तो कमरा बहुत ज़्यादा गंदा भी कर देते हैं, और फिर मैंने वहीं पर मेकअप लुक भी किया था, तो मेरा सामान तो मान लो 1 GB मैंने कर रखा था। सो काफ़ी चीज़ें मैंने अपना सेट कर लिया था, और फिर बाकी के जो सब कपड़े रखे हुए थे बाथरूम, तो वो बेटी ने सुनी नहीं, वो
रखकर नहीं आई थी, तो फिर यहीं पे सब सूख गए थे रखे रखे, तो मैं उनको सबको सेट करके जो है अंदर अलमीरा में रख रही थी। और माय गॉड, मतलब ना साड़ी में काम करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, मुझे आदत नहीं है ना करने की, तो इसीलिए। और साड़ी ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, बट इसके बॉर्डर की वजह से थोड़ा सा हैवी लगता है। ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है साड़ी, तो बस इसीलिए थोड़ा सा भारी भारी लगता है। इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ, तो मतलब साड़ी में ना सच में सब कपड़े मैंने उसमें यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए, तो मैं भी कुछ पीले भी थे ना, तो ऊपर सूख नहीं रहते क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ऊपर सब बंद कर दिया है मैंने फैन वगैरह, तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह मैंने डाल दिया है। आज पता नहीं मौसम लाइट इतनी बेकार आ रही थी, इतनी ज़्यादा तेज आने लगी कि मतलब ना ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइट वगैरह टी वी वगैरह सब बंद करना पड़ा था, क्योंकि ऐसा ना हो कि एकदम से लाइट ज़्यादा तेज आने से ना कई बार ऐसा होता है कि टी वी वगैरह कई चीज़ें होती ख़राब हो जाती हैं। बहुत अब मैं अपना साड़ी चेंज करने जा रही हूँ, मेरी हालत खराब हो जा रही है बहुत ज़्यादा। आज मुझे लग रहा है मैं सुबह से जब से उठी हूँ तब से इसी तरह से एक मिनट भी लेट ही नहीं हुई साड़ी। सो चलिए देखते हैं, आज का मैं ब्लॉग कहाँ तक कंटिन्यू करती हूँ। और बर्तन भी मुझे लगता है धोने हैं, बर्तन धोने का मन नहीं है मेरा, उसमें क्या रखा हुआ है कपड़े वगैरह मैं सर चेंज करके। ये देखिए फोल्ड करके अब मैं बैठी हूँ फुर्सत होकर, अब मैं गई हूँ थक बेटू। अरे वाह, तो यार बेटू ये पानी भर लो और फिर जल्दी से चॉकलेट दे दो। आप लोगों की फेवरेट चॉकलेट कौन सी है बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोगों से मतलब कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ ब्लॉग में, जो कि बहुत से लोग पूरा ब्लॉग देखते ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने मतलब क्या क्या बोला है क्या नहीं, तो बहुत से लोग ज़्यादातर लोग फुल ब्लॉग नहीं देखते हैं मेरा। तो ये देखिए भी कुछ सामान मेरे से रखा हुआ है, इसको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट करूँगी। और देख रहे हैं आज का मैंने आपको थैंक यू, मतलब मैं ना जब काम करती हूँ ना तो मैं पानी वानी सब छोड़ देती हूँ खाना पीना सब। टाइट है ना? हाँ बहुत टाइट है, नहीं टूट रही अभी तो लाइट भी नहीं आ रही, अभी लाइट आ रही है फिर बंद है। इसे देखो ये सेल्फी स्टिक मेरी रखी है यार, ज़रा दो किटकैट। भाई देखो इसमें किटकैट ही भी खा, किटकैट किसे किसे पसंद है? मुझे पसंद तो बहुत है पर मैं कम खाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है किटकैट, आई लव दिस। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करके जो है बेटी को पढ़ाने लगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट भी कर लूँ, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था और बेटी को पढ़ा रही थी मैं। बेटे को तो दोपहर में होमवर्क मैंने करवा दिया था, बट बेटी को जो है ना बोल के लिखवाना पड़ता है, जिसे मतलब ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे काफ़ी अच्छी जो है ना आपकी हिंदी या इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो पढ़ाई करवा रही थी, देख रहे हैं मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, तो आप समझ सकते हैं मतलब एक हाउस वाइफ के लिए कितना मतलब टफ होता है वीडियो का बनाना, फिर उसको शूट करना। और अभी मुझे समझ लीजिए रात में 2-3 बज जाते हैं वीडियो एडिट और सब अपलोड वगैरह करने में बहुत टाइम। वो देख रहे हैं बेटी को जो है मैं पढ़ा रही हूँ, और वो बोल कर लिखवाते हैं ना हिंदी का, तो उसमें बच्चों को बहुत अच्छे से जो है ना उनको लिखने की आदत होती है, जल्दी उनकी स्पीड बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, तो उसमें ना इंग्लिश हिंदी जो भी है ना बहुत जल्दी जो है उनकी फास्ट होती है, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो इंग्लिश भी बहुत फास्ट लिख लेती है, बहुत अच्छा जो ना रीडिंग बहुत अच्छा कर लेती है मेरी बेटी, हिंदी इंग्लिश दोनों की रीडिंग इसको बहुत अच्छे से आती है। तो मैम इसकी हमेशा हिंदी वगैरह जो है ना कहती हूँ, इंग्लिश वगैरह बोल के लिखवाने से क्या होता है कि स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर ऐसे लिखवाती है। तो चलिए पढ़ाई खत्म करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो ये देख सकते हैं आप, ये बेटी को पढ़ाई थी तो उसने कहा था मम्मा ये भी शेयर करी, तो ये गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के, ये गुड हैबिट्स के स्टिकर्स हैं जो कि बच्चों को क्या क्या अच्छे काम करने चाहिए उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। एंड आप मेरी बेटी की राइटिंग देख के बताइएगा आपको कैसी लगी है, बहुत अच्छी राइटिंग है उसकी और उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो ये देख सकते हैं गुड हैबिट्स में क्या क्या जो है बच्चों को करना होता है, वो सारे स्टिकर्स मैम ने जो है बनवाए हैं और उसमें लिखना रहता है कि क्या क्या गुड हैबिट्स है एंड ये बैड हैबिट्स का है, क्या क्या बैड हैबिट्स बच्चों में होती है, तो मतलब
सारी चीज़ें हैं जो कि कोचिंग में सब कुछ अच्छे से जो है ना पढ़ाते हैं, जो कि इतनी अच्छी चीज़ें स्कूलों में अक्सर जो है ना इतना अच्छा इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाएंगे तब भी जो है ना आपको कोचिंग वैसे भी लगवानी पड़ती है। सो ये देख सकते हैं गुड हैबिट्स एंड कुछ बहुत से लोगों के इस तरह से नाम है दिए हुए हैं, ये टीपू सुल्तान वगैरह जी, और मतलब हमारे देश में जो महान लोग बहुत अच्छे जिन्होंने काम किए थे उनके सबके स्टिकर दिए हैं। और भी मैम की फोटो लगवाई थी, किनकी उनकी फोटो ले गई यहाँ पता है। और इस टाइप के स्टिकर्स गुड हैबिट्स वाले बैड हैबिट्स वाले ना बुक स्टॉल में बहुत अच्छे से आपको कहीं भी मिल जाते हैं, तो इस तरह से आप पढ़ाई करवा सकते हैं। मैं तो कहूँगी जो कोचिंग में इतना अच्छा पढ़ाती है ना इतनी अच्छी जल्दी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है पढ़ाई होती है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाने के बाद ही बच्चों को कोचिंग पढ़ावानी पड़ती है। ओहो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, आज मेरा सर इतना दर्द हो रहा है। इस समय ये समझ लीजिए मेरे आज एक हफ्ते ज़्यादा हो चुके हैं दिन रोज़ इस समय दो वीडियोस आ रहे हैं ना, तो ये समझिए दो वीडियोस के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर बोलो समझ लो डेली 2 बज जाते हैं मुझे पूरा एडिटिंग और सब करते करते जो है ना बहुत ज़्यादा। पार्सल है क्या हो गया? हाँ साइड का देखो फ्रिज का प्लग लगा होगा। तो अभी मैंने देखिए मैंने 2 पार्सल रिसीव किए हैं, एक ये है बेटे का जो मैंने नाइट स्कूल मंगवाया था और इसका तो अभी आपको अभी नहीं मिलेगा। आज ये वाली रिसीव हुई है मुझे बेटे की, नाइट स्कूल ऑर्डर किया था, दूसरा वाला एक और है वो तो पहन के धुने के लिए डला है, तो मैंने सोचा था सब एक साथ आ जाएगा तो एक साथ आप लोगों से शेयर करूँगी, तो अभी फिलहाल ये आ गया तो मैं आज ये वाला शेयर करती हूँ। एंड मेरे को बहुत मन है आप ये आँखें देख लो बहुत खुशी होगी, मेकअप लगाने से एकदम आँखें एकदम पीली पीली सी हो गई मेरी एकदम आँखें, तो मतलब देखो ये होता है मैंने मस्कारा यूज़ किया, मैं मस्कारा यूज़ नहीं करती हूँ और मेरी आँखें समझ लीजिए इतनी नींद आ रही है कुछ करने को नहीं बहुत ज़्यादा। चलिए थोड़ी बात मिलती हूँ, मैं जरा चाय वगैरह पी लूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, वीडियो एडिट करना है डेली, इस टाइम मुझे 2 बच्चा आ रहा है। सो ये देख सकते हैं मेरे बेटे की और बाबू की सेम नाइट ड्रेस है, मेरी सिस्टर आ गई थी हम लोग जा रहे थे टहलने के लिए, आगे आपको थोड़ा सा और व्लॉग मिलेगा। सो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। आज का व्लॉग मैंने बहुत अच्छा आप लोगों से शेयर किया है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा है। आगे थोड़ा सा और आप लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया था, सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा व्लॉग। और देख लीजिए अब हम लोग जा रहे थे टहलने के लिए, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाई थी और बाहर गई तो मैंने मेकअप रिमूव कर दिया था, मुझे पसंद नहीं है बाहर इतना ज़्यादा मेकअप लगा कर जाना, तो फिर मैंने रिमूव कर दिया था और हम लोग टहल रहे थे। मैंने टहलने का नहीं शूट किया था बिकॉज मैं 2-3 बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ वही एक जगह का कि आप लोगों को बार बार दिखाऊँ मैं, तो उसी जगह गए थे अभी हम लोग जहाँ कुछ देर पहले गए थे, बाबू सिस्टर मेरी सब लोग हम लोग गए हुए थे। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को वॉच करिएगा मेरे सारे वीडियोज़ को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के वीडियो के लिए कमेंट करिएगा ढेर सारा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ये है मेरी फुल मस्ती और भी इससे ज़्यादा और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगा।